हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द लेक्चर्स ऑफ बिजनेस स्टडीज। सर, लास्ट लेक्चर में हमने सेकंड चैप्टर को कंक्लूड किया था एंड नाउ टुडे वी विल बी स्टार्टिंग अ नेक्स्ट चैप्टर दैट इज मैनेजमेंट एंड बिजनेस एनवायरनमेंट। सर, पिछले दो चैप्टर में हमने बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में काफ़ी कुछ समझा। बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है? एक ऑर्गेनाइजेशन के बाहर का एनवायरनमेंट, वो एनवायरनमेंट जिसमें एक बिजनेस एग्जिस्ट करता है। हर ऑर्गेनाइजेशन को अपने इस एनवायरनमेंट को कंसिडरेशन में लेना होता है व्हाइल डिसीजन मेकिंग। ऐसा क्यों? ये हम पहले भी समझ चुके हैं कि ऐसा क्यों। इंडिया में आपकी लेफ्ट हैंड ड्राइव कार्स चलती हैं, राइट हैंड ड्राइव, सब राइट हैंड ड्राइव कार्स चलती हैं। अगर एक कंपनी जो कि बाहर से आती है, यूएस की कोई कंपनी है, तो साहब यूएस में लेफ्ट हैंड ड्राइव कार्स चलती हैं, तो क्या वो एज इट इज वही गाड़ी इंडिया में बेच पाएंगे? साहब नहीं बेच पाएंगे। क्यों? क्योंकि इंडियन रेगुलेशन, इंडियन लॉ लेफ्ट हैंड ड्राइव कार अलाउ ही नहीं करता। तो उस ऑर्गेनाइजेशन को अपनी प्रोडक्शन को मोल्ड करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा और उनको अडेप्ट करना पड़ेगा इंडियन सर्कमस्टेंसेस को। ठीक है जी, इसी को बोलते हैं कंसिडरेशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो साहब, इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ना है, पहले हम कंटेंट डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला तो आपका इंट्रोडक्शन होगा, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस एनवायरनमेंट, कि बिजनेस एनवायरनमेंट होता क्या है और हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं। सेकेंड इज द मीनिंग। तो इंट्रोडक्शन और मीनिंग हम एक ही साथ में पढ़ेंगे। तो इंट्रोडक्शन मीन्स वाई वी आर स्टडिंग दिस चैप्टर, हमें इस नॉलेज की जरूरत क्यों है। दूसरा, बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या क्या चीजें आती हैं, क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं। नेक्स्ट विल बी फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। आफ्टर दैट इंपॉर्टेंस, कि अगर आप बहुत क्रिटिकली, बहुत ध्यान से अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को समझ पाते हैं, तो आप किस तरीके से अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं, अपने कंपटीशन से हमेशा आगे रह सकते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट विल बी बिजनेस एनवायरनमेंट के एलिमेंट्स क्या क्या हैं। सो बेसिकली दो तरीके के एलिमेंट्स होते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के। एक तो जनरल, जनरल यानी कि जो सब पर लागू होते हैं, स्पेसिफिक जो कि सिर्फ मेरी कंपनी पर या सिर्फ मेरी इंडस्ट्री पर लागू होते हैं। तो स्पेसिफिक हमारे कोर्स कंटेंट में नहीं है, तो हम थोड़ा बहुत समझेंगे इसके बारे में, लेकिन मोटे मोटे तौर पर हमको जेनेरिक एलिमेंट्स को समझना है। ठीक है जी, सिक्स विल बी वेरी इंपॉर्टेंट न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी। इसका एक एग्जाम्पल आप सोशल साइंस में हमेशा से पढ़ते आए हैं, 1991 लिबरलाइजेशन पॉलिसी। तो हम उसी पॉलिसी को एज एन एग्जाम्पल पढ़ेंगे यहां पर, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, कि गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज आपकी ऑर्गेनाइजेशन को किस तरीके से इंपैक्ट करती हैं, ये समझना है हमने इसमें न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी में। ठीक है जी, एंड द लास्ट विल बी इंपैक्ट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑन बिजनेस। तो छोटा सा चैप्टर है हमारा, ज्यादा बड़ा नहीं है, हमने सिर्फ इन सात टॉपिक्स को समझना है। ठीक है जी, तो इंट्रोडक्शन पे चलते हैं। प्लीज राइट डाउन द फर्स्ट हेडिंग, लिखेंगे साहब इसके बारे में। A business does not operate in a vacuum. It is a part and parcel of the environment surrounding it.
ठीक है जी। तो बिजनेस की मैनेजमेंट जो है वो इंटरनल फैक्टर्स को समझती है, जो हमने बात की साहब कि एम्प्लॉइज को किस तरीके से हैंडल करना है, ये हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा प्रिंसिपल्स ऑफ फेयोल एंड टेलर। तो ये सब कुछ एम्प्लॉई बेस्ड है। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स को पढ़ रहे हैं कि बाहर के ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट करते हैं। अब बाहर, क्योंकि ये बाहर के फैक्टर्स हैं तो ये कंट्रोलेबल नहीं है, ठीक है जी। आपको ही अडैप्ट करना होता है इन चेंजेस को, आप इन फैक्टर्स को नहीं बदल सकते, ठीक है, क्योंकि ये एक्सटर्नल है, आपके कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। पॉइंट बी, सक्सेस ऑफ अ बिजनेस largely depends upon the suitability of environment around it hence in order to survive and grow an enterprise has to adapt itself as per The business environment, साहब ये बहुत जरूरी है। आगे जाकर आप लोगों ने मैनेजर्स बनना है ऑर्गेनाइजेशन का, आपने अपने बिजनेसेस चलाने हैं, तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितना मर्जी अच्छा काम कर लूं, अगर वो इन लाइन विद बिजनेस एनवायरमेंट नहीं है तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो नहीं कर पाएगी। सर एग्जाम्पल से समझाओ। साहब एग्जाम्पल, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल नोकिया कंपनी। साहब कंपनी 98 से लेकर तकरीबन 2001 तक उस कंपनी ने रूल किया है आपकी टेलीकम्युनिकेशन मार्केट को। 98 में मोटोरोला का ट्रेंड खत्म हुआ और नोकिया का शुरू हो गया। 2001 से लेकर 2006 तक, 2006 में कुछ दिक्कतें आनी शुरू हुई, 2004 तक तो लार्जेस्ट टेक टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर का नोकिया के पास ही था। 2006 में कंपनी लॉस में जानी शुरू हुई बिकॉज वो बिजनेस एनवायरनमेंट को अडैप्ट नहीं कर पाई। 2013 में जाकर कंपनी ने अपने पूरे के पूरे डिवाइसेस डिवीजन को माइक्रोसॉफ्ट को बेच दिया। क्यों? क्योंकि कंपनी बिजनेस एनवायरनमेंट को समझ नहीं पाई, अडैप्ट नहीं कर पाई। सबसे बड़ी दिक्कत यही हुई कि वो अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को चेंज नहीं कर पाए और बाकी कंपनीज ने अडैप्ट किया नए ऑपरेटिंग सिस्टम को, जिसको आज हम एंड्रॉइड के नाम से जानते हैं। तो सर अप्रोक्सीमेटली 2008 के अराउंड दिस ऑल स्टार्टेड। 2008 में फर्स्ट वर्जन ऑफ एंड्रॉइड लॉन्च हुआ था एंड टुडे वी आर इन 2019 और 20। तो आपको यह समझना है कि कंपनी नई टेक्नोलॉजी लेकर आई 98 में, इसलिए कंपनी चढ़ी, नया इनोवेशन था, मार्केट स्टडी करके आई। बट फिर कंपनी कंप्लेसेंट हो गई, कंपनी ने रिसर्च करनी बंद कर दी, कंपनी ने बिजनेस एनवायरनमेंट को समझना बंद कर दिया, जिसकी वजह से अल्टीमेटली क्या हुआ कि कंपनी को समझ में ही नहीं आया कि कस्टमर चाहता क्या है। तो जब तक आपको पता नहीं है कि कस्टमर क्या चाहता है, आप वो प्रोवाइड तो कर ही नहीं सकते, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे सर, मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। अब मीनिंग समझने के लिए एक डायग्राम अगर बना ले हम यहां पर तो बेटर रहेगा। सब ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन है,
कुछ भी नाम मैं दे देता हूं इसको, एबीसी लिमिटेड, और यहां कंपनी के अंदर बैठती है मेरी मैनेजमेंट, कंपनी के अंदर ही होते हैं इंप्लॉइज, प्लांट्स, रॉ मटेरियल, प्रोडक्शन, सब कुछ पर मेरा कंट्रोल है। जो कंट्रोल नहीं है वो एक्सटर्नल आपके फैक्टर्स होते हैं, और वो क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं ये हमको समझना है। साहब सबसे बड़ा फैक्टर होती है हमारी गवर्नमेंट। हमारी गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाती है, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज, लीगल पॉलिसीज, हमको उस उन पॉलिसीज को हर केस में फॉलो करना होता है। तो क्या वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को इंपैक्ट करती हैं वो पॉलिसीज? साहब बिल्कुल इंपैक्ट करती हैं। उसके बाद हमारी सोसाइटी, सब सोसाइटी आपकी किस तरीके की है उस पर इंपैक्ट करता है कि आपका बिजनेस कितना चलेगा। फॉर एग्जांपल साहब यूट्यूब पाकिस्तान में बैन है, तो अगर मैं पाकिस्तान के अंदर यूट्यूबर हूं तो मेरे को समझना जरूरी है कि मेरी जो टारगेट ऑडियंस होगी वो पाकिस्तान के बाहर की होगी, तो मेरा कंटेंट भी जो होगा वो उसी टारगेट ऑडियंस के लिए होना चाहिए। ठीक है जी, और क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? लोकेशन, और क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? आपकी इंडस्ट्री के स्पेसिफिक फैक्टर्स, जो मैंने आपको बताया था कि ये स्पेसिफिक फैक्टर्स होते हैं, ये कोर्स के लिए ज्यादा रेलेवेंट नहीं है। आपके इन्वेस्टर्स, और सबसे ज्यादा जरूरी आपके कस्टमर्स, सप्लायर भी लिख लेते हैं। साहब जो लोग मेरे को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बट मैंने जनरल जो हर ऑर्गेनाइजेशन के पास होते ही हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स वो क्या क्या हैं। सब सरकार है, सरकार पॉलिसी बनाती है, तो मेरे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स उस पॉलिसी को फॉलो करने चाहिए, तभी मैं ग्रो कर पाऊंगा। सोसाइटी के जो बिलीव्स हैं, जैसे कि कई बार पीछे शोर मचा कि टूथपेस्ट के अंदर पोर्क यानी कि सुअर के मांस का इस्तेमाल हुआ है, या बीफ का इस्तेमाल हुआ है, भैंस के मांस का इस्तेमाल हुआ है, तो साहब आपको समझना पड़ेगा अगर ये र्यूमर यूएस में, यूके में अगर फैले होते तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप हिंदुस्तान में हैं जहां पर 80% जनता हिंदू है, और साहब गाय का मांस, सुअर का मांस अगर हमको पता चले किसी प्रोडक्ट में है तो पूरा का पूरा देश उस प्रोडक्ट को अबैंडन कर देगा कि साहब हम इस प्रोडक्ट को यूज नहीं करेंगे। तो आपकी कंपनी किस तरीके की सोसाइटी में है आपको ये बहुत ध्यान देना है, ठीक है, कि वो सोसाइटी किन तरीके के बिलीव्स पर चलती है, आपको वो हमेशा ध्यान में रखना है। ठीक है जी, लोकेशन, सब लोकेशन तो हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए जरूरी है, जो मैंने आपको लेफ्ट हैंड ड्राइव, राइट हैंड ड्राइव गाड़ियों के बारे में बताया। सप्लायर, साहब मेरा सप्लायर मुझे कितनी जल्दी रॉ मटेरियल दे सकता है मुझे ये भी समझना जरूरी है। जो लोग मुझे रॉ मटेरियल दे रहे हैं वो मेरे से कितनी दूरी पर हैं, वो और कितनी ऑर्गेनाइजेशंस को रॉ मटेरियल दे रहे हैं, ये सब कुछ इंपैक्ट करती है मेरी ऑर्गेनाइजेशन को। उसके बाद इंडस्ट्री, मैं किस तरीके की इंडस्ट्री में काम करता हूं। ठीक है, अगर मैं बैंकिंग सेक्टर में हूं तो साहब ओवरऑल अगर बैंकिंग सेक्टर डाउनफॉल पे है तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन कोई अलग थोड़ी ना चली जाएगी, मेरी ऑर्गेनाइजेशन में भी डाउनफॉल आएगा। जैसे कुछ सालों से बैंकिंग सेक्टर कंटिन्यूअस डाउनफॉल पे है, वजह साहब ऑटोमेशन है, हम इसको थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे कि बैंकिंग सेक्टर में कई सालों से नुकसान क्यों हो रहा है। ठीक है, ऑटोमेशन एक टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग है, हम समझेंगे उसको। फिर हो गए मेरे इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स माने कि मेरे शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स। साहब मेरे शेयर होल्डर्स की एक्सपेक्टेशन मुझसे क्या है इस पर डिपेंड करते हैं मेरे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स और ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। एंड एट लास्ट मैं जो काम करता हूं, मैं जिस तरीके का प्रोडक्ट बनाता हूं, मेरे कस्टमर की वो प्रोडक्ट मेरे कस्टमर की एक्सपेक्टेशन को पूरा भी करता है या नहीं, ये मुझे हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा, वरना कस्टमर प्रोडक्ट को खरीदेगा क्यों। ठीक है, लिखते हैं साहब इसके बारे में।
पॉइंट ए, बिजनेस एनवायरमेंट मींस द सम टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स इंस्टीट्यूशंस एंड अदर फोर्सेस दैट आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज. साहब ऑर्गेनाइजेशन का इन फैक्टर्स पर कोई कंट्रोल नहीं है, बट दैट मे इंपैक्ट इट्स परफॉर्मेंस. ऑर्गेनाइजेशन का इन फैक्टर्स पर कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को इंपैक्ट जरूर करते हैं. तो इसलिए क्योंकि मेरी परफॉर्मेंस को इंपैक्ट करते हैं, मुझे प्लानिंग करते वक्त इन फैक्टर्स को कंसिडर करना बहुत जरूरी है. आई कैन नॉट इग्नोर देम. ऑल दीज फैक्टर्स अफेक्ट the working of the business firm, and firm has to deal effectively with them. Sir, agar ab isme na yahi kahani hai, अगर तो आप अपने एनवायरमेंट को ढंग तरीके से रीड कर पाते हैं और प्रोएक्टिव रहते हैं, यानी कि टाइमली उस पर एक्शन ले लेते हैं, तो वही आपके लिए अपॉर्चुनिटी हो जाती है कि आपने फोरसी किया कि फ्यूचर में ये चेंजेस आ सकते हैं, मैंने प्रोएक्टिव होकर एक्शंस लिए और प्रोडक्ट को इनोवेट किया नई रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, तो वही आपके लिए अपॉर्चुनिटी बन जाती है. उसी को हम बोलते हैं फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज. जो ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहला स्टेप लेती है चेंज की तरफ, इनोवेशन की तरफ, वही अंत में सबसे ज्यादा मुनाफा कमाती है. इसी को हम बोलते हैं फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज. ठीक है, वहीं दूसरी तरफ जो ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस एनवायरमेंट को समझने में फेल हो जाती है, सब वो धीरे धीरे अपने डाउनफॉल पे आ जाती है, क्योंकि उनको फिर ये समझ नहीं आता कि हमारा टारगेट कस्टमर हमसे चाहता क्या है. तो अगर आप अपने कस्टमर को ही नहीं समझ पाए, तो आप प्रोडक्शन जितनी मर्जी कर लो, वो प्रोडक्ट जब बिकेगा ही नहीं, तो आप मुनाफा कहां से कमाओगे. ठीक है, हैज टू डील इफेक्टिवली विद देम इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल इन द लॉन्ग रन. समझिए सर, इनोवेशन एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, यानी कि एक कंपनी को कॉन्टिन्यूसली इनोवेट करना पड़ता है अपने तरीकों को, ताकि कस्टमर मेरे प्रोडक्ट से बोर ना हो. एक कंपनी है साहब जो हर 6-8 महीने में नया फोन ले आती है, एक साल में तो ले ही आती है, आईफोन, एप्पल. तो अगर एप्पल की बात करें, तो साहब एप्पल का इनोवेशन सैचुरेशन लग रहा है कि आने वाला है, यानी कि पिछले 3 मॉडल्स में कुछ बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनोवेशन नहीं है, विच मींस इनोवेशन सैचुरेशन है. वहीं इनके कॉम्पिटिटर्स की बात करें, जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम्स का इस्तेमाल करते हैं, सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर इनका वन प्लस. सब वन प्लस हर 6 महीने में नया प्रोसेसर लॉन्च करता है, नया फोन लॉन्च करता है, और
30-40% स्पीड इंक्रीज लॉन्च करता है विद बेटर क्वालिटी ऑफ कैमरा लॉन्च करता है, और ये तो पक्का है कि आईफोन से सस्ता लॉन्च करता है। तो ऐसी सिचुएशन में ब्रांड नेम कब तक काम आएगी? तो लोग आज एप्पल का फोन जरूर खरीद रहे हैं साहब, 1.25 लाख रुपए का, 1.5 लाख रुपए का, बट उसकी यूटिलिटी धीरे धीरे कम होती जा रही है कस्टमर के लिए। क्यों? क्योंकि इनोवेशन बहुत ज्यादा नहीं है। जिसके पास आईफोन 7 है और जिसके पास आईफोन X है, उन दोनों फोन्स में जमीन आसमान का अंतर नहीं है। इनोवेशन जरूर है, चेंजेस जरूर हैं, लेकिन वो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है। ठीक है जी, चलेंगे आगे। इन द लॉन्ग रन, सॉरी जस्ट गिव मी अ सेक, नेक्स्ट पॉइंट, बिजनेस एनवायरनमेंट refers to the total of all things external to firms and industries which affect their organization and operations. Last point will be changes in government economic policies rapid technological developments जनरल फैक्टर्स हैं, क्या किन किन चीजों से फर्क पड़ता है, रैपिड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, साहब इराक अफगानिस्तान की बात करें तो पॉलिटिकली इतनी अनसर्टेन है ये लोकेशंस कि यहां पर बिजनेस सेटअप करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। फिर कस्टमर प्रेफरेंसेस, चेंजेस इन फैशन एंड टेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स, और फैक्टर कौन से हो सकते हैं? इंक्रीज्ड कॉम्पिटिशन, ये जनरल फैक्टर्स हैं जो इंपैक्ट करते हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन को बाहर से, ये इंटरनल फैक्टर्स नहीं है। सो दीज फैक्टर इंफ्लुएंस द वर्किंग ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज। In important ways, सर कुछ examples लिख लेते हैं ताकि हमको ये concept समझ में आए। हमने किन किन examples की बात करी अभी? सब Nokia companies के नाम लिख रहे हैं so that समझ में आ जाए। So Nokia could not convert into Android
एक और कंपनी थी साहब, ब्लैकबेरी। सो 2008-09 या 2010 तक भी कह सकते हैं ब्लैकबेरी फोन्स बहुत पॉपुलर होते थे। प्रॉब्लम सेम थी, ऑपरेटिंग सिस्टम आप अपना रिन्यू नहीं कर पाए, एंड्रॉयड को आप अडैप्ट नहीं कर पाए एंड्रॉयड सिचुएशन को, तो साहब कस्टमर्स ने फोन खरीदने बंद कर दिए। ठीक है जी, नेक्स्ट विल बी मोटोरोला। साहब मोटोरोला की कहानी कुछ वैसी ही है जैसी नोकिया की है, बट कहानी सिर्फ इतनी है कि जब मोटोरोला का डाउनफॉल आया उसकी वजह नोकिया था, क्योंकि नोकिया नए फोन्स लेकर आया जिसकी वजह से मोटोरोला केम ऑन अ डाउनफॉल एंड इट कुड नॉट मीट कस्टमर्स डिमांड। ठीक है जी, इसके बाद साहब मैंने आपको बोला था मैं आपको एक नया टॉपिक बताऊंगा विच इज ऑटोमेशन। ये क्या होता है, हमने इसके रिगार्डिंग पहले भी कुछ बात करी हुई है रोबोट्स की। सो ऑटोमेशन का मतलब कोई ऐसा टूल, कोई ऐसी यूटिलिटी, कोई ऐसी मशीनरी जो ह्यूमन एलिमेंट को रिमूव कर दे, यानी कि किसी आदमी की जरूरत ना हो अगर काम करने के लिए और मशीन या यूटिलिटी या कंप्यूटर ही उस काम को खुद कर दे, तो उसको लूजली हम ऑटोमेशन बोलते हैं। इसके 5 या 6 टाइप्स होते हैं जिसमें सबसे ज्यादा पॉपुलर जो है वो एक है रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन। सब इसको हम बोलते हैं आरपीए, बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन की एक वैरायटी है आरपीए। यानी कि बिजनेस के अंदर कितने तरीके की ऑटोमेशन लाई जा सकती है उसका एक वैरायटी है रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन। साहब इसका इंपैक्ट इतना ह्यूज है कि सबसे पहले जो इंडस्ट्री इंपैक्ट हुई है आरपीए से वो है बैंकिंग। तो अगर आपको पता हो आज से 10 साल पहले भी अगर मैं बोलूं तो आपके फादर, आपकी मदर, आपके ग्रैंड पेरेंट्स को अगर बैंकिंग करनी होती थी तो उनको ऑल द वे बैंक ब्रांच तक जाना होता था कोई भी काम करने के लिए। एटीएम्स तब भी थे, तो अगर आपको छोटा मोटा कैश विड्रॉल करना है तो आप एटीएम से कर सकते हो। इसके अलावा हर काम बैंक जाकर होता था। और आज की डेट की अगर बात करें तो साहब मेरे को कम से कम 3 या 4 साल हो चुके हैं मेरी बैंक की ब्रांच में जाए हुए। ऐसा नहीं है कि मैं बैंकिंग फंक्शंस का इस्तेमाल नहीं करता, बट आई यूज देम ऑनलाइन। आपके फोन के अंदर आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, आप यहीं से बैंकिंग एक्टिविटी सारी की सारी परफॉर्म कर सकते हैं। आप कंप्यूटर से लॉग इन कीजिए, आप वो सब कुछ काम कर सकते हैं जो आप बैंक में जाके कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका इंपैक्ट क्या होगा, इसका इंपैक्ट पड़ेगा बैंकिंग स्टाफ पर। कल तक अगर एक बैंक का फुटफॉल 2000 लोगों का था तो आज की डेट में वो 100 से 150 लोगों का है। यानी कि वो एक दिन में 2000 कस्टमर्स को अपनी विंडोज पे सर्व करते थे, तो अब सिर्फ 100 से 150 लोग आते हैं। तो पहली बात, तो जितने लोग पहले बैंकिंग स्टाफ में चाहिए होते थे अब उतने लोगों की जरूरत नहीं है। तो अगर जरूरत नहीं है तो उनको निकाला जाएगा, और बहुत ज्यादा श्रेडिंग हो भी चुकी है। SBI हर क्वार्टर में तकरीबन 3500 से 4000 लोग निकालता है जॉब से। ठीक है जी, बिकॉज ऑफ दिस ऑटोमेशन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्पेसिफिकली अपनी ब्रांचेस को पिछले 2 साल से मर्ज करता जा रहा है। यानी कि अगर एक लोकैलिटी के अंदर, अगर मेरे 10 किलोमीटर के अंदर 8 SBI ब्रांचेस हैं, तो मैं उन 8 ब्रांचेस को 2 ब्रांचेस में कन्वर्ट कर रहा हूं कि इतना फुटफॉल ही नहीं है उन ब्रांचेस में। 2 ब्रांचेस उन 8 ब्रांचेस का काम अब संभाल सकती हैं बिकॉज ऑफ ऑटोमेशन, क्योंकि अब कस्टमर चलकर नहीं आता ब्रांच तक। ठीक है, तो इसकी वजह से होगा क्या कि जो लोग ऑलरेडी उन 8 ब्रांचेस में काम कर रहे हैं, तो जब 2 ब्रांचेस में कन्वर्ट होगा तो उन लोगों की जॉब जाएगी। BSNL has declared कि हम अगले 6 महीने के अंदर अंदर 54,000 employees को फायर कर देंगे।
बिकॉज ऑफ ऑटोमेशन उनकी यूटिलिटी हमको नजर नहीं आती है. हम उनको सैलरी जरूर दे रहे हैं बट उनका यूटिलाइजेशन हम नहीं कर पा रहे हैं. सो वी डोंट नीड दैट वर्कफोर्स. साहब 54,000 एम्प्लॉइज थ्रू आउट इंडिया दे आर गोइंग टू फायर विद इन नेक्स्ट 6 months. ठीक है, तो ये सब कुछ क्या है? ये ऑटोमेशन है. तो कंपनी इज ट्राइंग टू अडैप्ट टू ऑटोमेशन. कंपनी नई टेक्नोलॉजी लाना चाह रही है सो दैट वो काम टेक्नोलॉजी करे, आदमी ना करे. अब इसका बैकलॉग आपकी इकोनॉमी पे जरूर है कि बहुत वास्ट अनएम्प्लॉयमेंट के चांसेस हैं, बट यही ऑटोमेशन, यही टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है कि अगर मुझे आज से पता है कि साहब आने वाला फ्यूचर टेक्नोलॉजी बेस्ड ही होगा, ठीक है, आने वाला लॉयर जो होगा वो टेक्नोलॉजी से दूर रहकर अपनी वकालत नहीं चला सकता, आने वाला चार्टर्ड अकाउंटेंट जो होगा वो टेक्नोलॉजी से दूर रहकर अपना काम नहीं कर सकता, पैसा नहीं कमा सकता, तो आपको अपने ऑपरेशंस में टेक्नोलॉजी को एम्ब्रेस करना बहुत जरूरी है. ठीक है, चलते हैं साहब इसके आगे, इसको पढ़ेंगे अभी हम आगे और. ठीक है, एग्जाम्पल बिजनेस एनवायरमेंट. ठीक है, वो मैंने आपको कंपनी नेम बताई, सिचुएशंस बताई, इंक्रीज इन टैक्सेस. अगर सरकार टैक्सेस को बढ़ा देती है तो उससे क्या होगा? सब प्रोडक्ट एक्सपेंसिव हो जाएगा. और सरकार कभी कभार प्रोडक्ट्स को महंगा करने के लिए स्पेसिफिकली टैक्सेस लगाती है, जिसको हम इंपोर्ट ड्यूटी या कस्टम ड्यूटी कहते हैं. साहब ये सरकार क्यों लगाती है? वो इसलिए कि अगर कोई सामान यूएस से इंडिया में आता है तो उसको महंगा अगर मैंने नहीं किया तो मेरे इंडियन ट्रेडर्स उससे कंपीट कैसे करेंगे? ठीक है, तो मुझे हमेशा फायदा देना है अपने लोकल बिजनेसमैन को, ताकि जो इंपोर्टेड माल है वो अपने आप महंगा आए तो कस्टमर की पहली प्रेफरेंस क्या होगी? इंडियन प्रोडक्ट. ठीक है, सेकंड, टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स. सब टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट से क्या इंपैक्ट आएगा? आपके एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स will be obsolete. आपके existing products बेकार हो जाएंगे. Changes in taste of consumer. Shift in demand ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स, यानी कि नए तरीके के प्रोडक्ट्स की डिमांड क्रिएट हो जाएगी. पुराने वालों का दौर चला गया, फैशन चला गया. ठीक है जी, सिमिलरली अगर कॉम्पिटिशन इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज कॉम्पिटिशन, तो ऑर्गेनाइजेशन को पैसे कम करने पड़ेंगे, अपना मार्जिन कम करना पड़ेगा टू कंपीट विद द कॉम्पिटिटर. सो रिडक्शन इन प्रॉफिट मार्जिन्स. लिखिए सर, चलें जी आगे, नेक्स्ट हेडिंग लिखनी है आपने. फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ
बिजनेस एनवायरमेंट ठीक है जी, इसमें हमने क्या क्या पढ़ना है ये समझ लेते हैं। फीचर्स क्या क्या हैं? नंबर वन, टोटैलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। ये हमने बात करी थी कि दो तरीके के फोर्सेस होते हैं, स्पेसिफिक और जनरल। इंटर रिलेटेडनेस, डायनामिक नेचर, ये सब हम पिछले दो चैप्टर्स से पढ़ रहे हैं। डायनामिक नेचर यानी कि कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग एनवायरनमेंट होता है जिस पर जिसको आपकी ऑर्गेनाइजेशन को अडैप्ट करना होता है। ठीक है जी, अनसर्टेनिटी, कॉम्प्लेक्सिटी एंड रिलेटिविटी। ठीक है जी, टोटैलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस का मतलब यह है कि एक फोर्स का स्पेसिफिक इंपैक्ट नहीं होता है, सबका कंबाइंड एक इकट्ठा इंपैक्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन पे। ठीक है, तो इंपैक्ट जो है वो टोटल इंपैक्ट होता है। ठीक है, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस मैंने बता दिया। स्पेसिफिक फोर्सेस क्या होती हैं? जो सिर्फ कंपनी के लिए स्पेसिफिक होती हैं। ठीक है, जनरल क्या होती हैं? जो सारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बराबर हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज इंटर रिलेटेडनेस। इंटर रिलेटेडनेस को आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन का इंपैक्ट दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को भी इंपैक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर चाय की फसल खराब हो जाती है तो चाय अपने आप ही महंगी हो जाएगी कि साहब चाय की जो प्रोडक्शन थी वो सारी की सारी खराब हो गई, जितनी बची कुची बनी जो रह गई खराब नहीं हुई वो बहुत महंगी बिकनी शुरू हो गई। तो जैसे ही चाय महंगी बिकनी शुरू होगी अपने आप कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि कॉफी चाय का सब्स्टिट्यूट है। ठीक है जी, तो वो अपने आप ही बढ़ेगी। एक और एग्जांपल, सब आने वाले सालों में हाइब्रिड कार्स या इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की डिमांड डेफिनेटली बहुत ज्यादा होने वाली है बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन सिचुएशन। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल ज्यादा बनेंगे और ज्यादा बिकेंगे तो जिन जो बैटरीज उनके अंदर इस्तेमाल होंगी, जो लिथियम बैटरीज इस्तेमाल होंगी उन पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स में, उनकी भी अपने आप डिमांड बढ़ेगी। ठीक है, तो ये इंटर रिलेटेड है, ये फैक्टर्स एक को इंपैक्ट करते हैं जो फिर सब्सिक्वेंटली दूसरे को इंपैक्ट करता है, फिर सब्सिक्वेंटली तीसरे को इंपैक्ट करता है। सो दीज फैक्टर्स आर इंटर रिलेटेड विद इन द सेवरल ऑर्गेनाइजेशन एंड सेवरल इंडस्ट्रीज। ठीक है, डायनामिक नेचर हम सर बहुत बार समझ चुके हैं कि ये कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग है, बिजनेस एनवायरमेंट कॉन्स्टेंट नहीं है। आज कुछ सिचुएशन है, एक साल बाद सिचुएशन बिल्कुल चेंज हो सकती है। ठीक है, अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है, फ्यूचर में क्या होगा हमें नहीं पता। कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटी टोटैलिटी से कनेक्टेड है कि एक फैक्टर के इंपैक्ट को समझना मुश्किल है, यानी कि सिर्फ गवर्नमेंट पॉलिसी से कितना प्रॉफिट में चेंज आया ये समझना मुश्किल है। आप टोटली बिजनेस एनवायरमेंट को स्टडी करके उनका इंपैक्ट समझ सकते हो, यानी कि कंसोलिडेटेड इंपैक्ट समझना आसान है, इंडिविजुअल इंपैक्ट सारे फैक्टर्स का समझना बहुत मुश्किल है। एंड लास्ट विल बी रिलेटिविटी। सब रिलेटिविटी मतलब एब्सोल्यूट रिजल्ट नहीं है, ये फिजिक्स की तरह नहीं होता बिजनेस एनवायरमेंट का इंपैक्ट। जैसे कि मैंने बोला साहब, वन में अगर वन ऐड करोगे तो टू ही होगा,
तो ये डेफिनेट है, हर बार टू होगा। आप 100 बारी अगर इसी कैलकुलेशन को रन करेंगे तो आंसर 2 ही आएगा। लेकिन बिजनेस एनवायरनमेंट का ऑर्गेनाइजेशन पर इंपैक्ट एब्सोल्यूट नहीं है, कंक्रीट नहीं है, रिलेटिव है, चेंज हो सकता है। ठीक है, लिखेंगे सब। फर्स्ट, टोटैलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। बिजनेस एनवायरमेंट इज द सम टोटल ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस दैट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंसेस द वर्किंग ऑफ स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस ऑफ अ बिजनेस सिस्टम। ठीक है जी, तो आप एक्सटर्नल फोर्सेस को टोटालिटी में ही समझ सकते हैं, इंडिविजुअली उनका इंपैक्ट समझना मुश्किल है, और उनका इंपैक्ट होता भी कंसोलिडेटेड है, इंडिविजुअल इंपैक्ट नहीं होता है। ठीक है साहब, हम इसको टेकअप करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आज पॉइंट 1 तक आपने रिवाइज करके आना है नेक्स्ट क्लास में। ठीक है जी, विल टेक दिस फॉरवर्ड। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।